देखो, वर्टिकल इक्वेशन वाले में, वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन हमने मॉडिफाई की, उसका सेकंड इक्वेशन देखो किससे मॉडिफाई किया है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मॉडिफाई किया है। इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मिला। तो सिर्फ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई बाई जी, इसलिए सिर्फ टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टू वाई बाई जी। यही टाइम जो होता है, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजेंटली फायर्ड प्रोजेक्टाइल, और वाई जो है वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा जिस पे कि ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद था। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मॉडिफाई हो जाता है। फिर फर्स्ट वाले पे आ जाए, फर्स्ट वाले पे हॉरिजॉन्टल में सेकंड मोशन पे आ जाए, सेकंड इक्वेशन पे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने क्या मॉडिफाई किया, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, मतलब यू एक्स की वैल्यू तो सिर्फ यू होती है ना, क्योंकि यू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा 0 होके 1 हो जाता है, और टी का वैल्यू यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो हो गया यू इंटू कितना, 2hy g। ठीक, अब सोचो कि v की वैल्यू कहां से आएगी। हाँ, थर्ड वाले से आएगा, वो तो ठीक है। अब उसमें क्या रिप्लेस, क्या चेंज कर सकते हैं, सो देख लो। देखो, इक्वेशन होती है क्या चीज, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू टू ए एस, है ना। तो चूंकि यहाँ जी दिख रहा है, इसलिए कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे यूज किया होगा वर्टिकल डायरेक्शन वाले को, क्योंकि उसी केस में एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ए गायब हो जाएगा 0 होके, है ना, यही ना होगा। तो यू जी, अब बच गया एच। तो एच की वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल में क्या थी, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, वर्टिकल में सॉरी, तो हाफ जी टी स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं यहां से। तो देखो, टू से टू गया, बच गया यू स्क्वायर, ये जी इंटू जी जी स्क्वायर, और टी तो पहले से ही स्क्वायर था, है ना। तो सिर्फ वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच गया, एंगल बच गया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये है वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मान लिया कि बीटा एंगल पे, है ना। तो बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, टैन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो गया, है ना। तो बेस किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कर सकते हैं, है ना, होगा। तो टैन बीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो बेस तो हमको पता चल गया कि यू लिख सकते हैं हम, यू से रिप्लेस कर देंगे। अब क्या बच गया, ये बच गया,
तो अब ये देखना है कि परपेंडिकुलर को हम क्या ले सकते हैं, सोचो क्या लिया जा सकता है। हाँ, परपेंडिकुलर को किससे रिप्लेस करें? देखो, v वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और ये वाला साइन वाला मतलब नीचे डायरेक्शन में, है ना? तो यही चीज ना हम यहाँ देखते हैं, ड्रॉ भले ही हम यहाँ करते हैं, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? वीवाई है। बेस क्या है? वीएक्स है। तो वीएक्स जो है वो किसके बराबर होता है? यूएक्स के बराबर होता है। और यूएक्स कितना होता है? सिर्फ यू होता है ना? तो वो यहां रख दिया बेस की जगह, और परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर था वीवाई। तो वीवाई क्या होता है? जीटी होता है। तो जीटी से यहां रिप्लेस कर दिया, तो हो गया, निकल गया हमारा ये।